टाइट्स आपने कैसे सेट करने हैं, अब वो देखें। एडमिन यूजर नेम और NASNAS फॉर फ्री इसका पासवर्ड, इसका पासवर्ड हाँ चेंज हो जाता है इसका पासवर्ड। अभी मैं राइट्स बताने लगा आपको कि राइट्स कैसे हमने सेट करने हैं। माउंट पॉइंट के ऊपर आपने जाना है, इसको आपने यहाँ से खोल लेना है। इसके अंदर ये जो अदर्स वाले हैं ना, इसके ये राइट की आपने फैसिलिटी ले लेनी है इनसे, इनके राइट की ये चेक आपने हटा देना है, बाकी लगे रहें कोई मसला नहीं। सेव करते हैं, अप्लाई चेंजेस करते हैं और इसको यहाँ पे करते हैं। अब मैं खोलता हूँ वही वाला। अब इसके अंदर से डिलीट करके हम चेक करते हैं कि आया कि ये अब डिलीशन हो रही है या नहीं हो रही। देखो फौरी तौर पे उसने कहा एक्सेस डिनाइड, कि इस यूज़र को दिए परमिशन ही नहीं है। ठीक है, अब आप रखना चाहोगे तो आप रख भी नहीं सकते। जैसे ये मैं रखता हूँ, फाइल आएगी भी नहीं इसके अंदर। तो यूज़र को तो आपने शेयर सिर्फ देना ना, यूज़र कॉपी कर सकता है यहाँ से। अब ये देखो ना, ये फाइल है, मैं कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से, लेकिन मैं उधर नहीं पेस्ट कर सकता जाके, उधर से डिलीट भी नहीं कर सकता और कॉपी भी नहीं कर सकता उधर से, यानी उधर पेस्ट भी नहीं कर सकता और इधर से डिलीट भी नहीं कर सकता। सर ये जो जितने भी गाने होंगे ये डाउनलोड तो नहीं ना होंगे, डाउनलोडिंग स्पीड तो नहीं ना लेंगे? कैसी डाउनलोडिंग स्पीड? इंटरनेट की फैसिलिटीज तो नहीं? नहीं 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 लोकल। अब ये देखो ना, ये एक मूवी पड़ी है, आप यूज़र क्या करता है, इसको कॉपी करता है या इधर ही बैठ के देख लेता है? इधर बैठ के देख ले कोई मसला नहीं। ठीक है, मीडिया प्लेयर देखो। हाँ मीडिया प्लेयर उसको अपना ही चलना है, उसके अंदर नहीं चला गया देखो। ठीक हो गया ना, आप अगर वो कॉपी करके देखना चाहता है कॉपी कर ले इसको, वो कोई इशू नहीं है। नहीं इंटरनेट की स्पीड लैदा होगी, ये लैदा है, ये लैदा सर्वर है, वो लैदा चीज़ है। अब मैं इसको एक दफ़ा स्टॉप करता हूँ।